हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी योगा विद एबी। आई एम अलका और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी योगा फॉर इम्यूनिटी बूस्टर। अगर आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी करना चाहते हैं ताकि कोई भी बीमारी हो उससे आपकी बॉडी फाइट कर सके, आप बीमार ना हो, तो उसके लिए कौन कौन से योगाज हैं जो आपको डेली करने चाहिए, जो आपकी बॉडी को बीमार होने से प्रोटेक्ट करेंगे, आपको बीमार नहीं होने देंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। सो अपार्ट फ्रॉम योगा, हम प्राणायाम से कैसे अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं? तो इस सीरीज़ में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कौन से ऐसे 5 प्राणायाम हैं जो आप डेली बेसिस करके अपनी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें क्या करना है, आप इस तरीके से बैठ जाइए, देन आपको अपनी आईज क्लोज करनी है, आपके जो दोनों हैंड्स हैं वो आपको इस तरीके से करने हैं, ठीक है। बैक बिल्कुल आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, स्टमक जो एब्डोमिनल है उसके मसल्स टाइट होने चाहिए, लंग्स के थ्रू आपको सांस लेनी है। किस तरीके से बाद में करना है वो मैं आप देखते जाइएगा मैं कैसे कर रही हूँ, देन आपको वो प्रोसेस फॉलो करनी है, ठीक है। तो आपने आईज क्लोज की, इस तरीके से आपको हाथ करने हैं अपने, देन सांस, तेज सांस लेते हुए आपको अपने हैंड्स ऊपर की तरफ लिफ्ट करने हैं और वापस सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ वापस इस पोजीशन में लाने हैं, ठीक है। कैसे करना है देखिएगा, और वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है। ये जो आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे प्राणायाम की, इसमें आपको 10 टाइम्स अपने हैंड्स को ऊपर लिफ्ट करना है और वापस इस पोजीशन में आना है और उसके बाद में नॉर्मल पोजीशन में आना है, रिलैक्स करना है और वापस इसे रिपीट करना है 3 टाइम्स, ओके। तो ये है पहला प्राणायाम। नाउ जो सेकेंड प्राणायाम है वह है कपालभाति। कपालभाति में हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से चिन मुद्रा में बैठ जाएंगे। आप चाहें तो लेग्स को क्रॉस करके बैठ सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप बैठ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम आईज क्लोज करेंगे, बिल्कुल सीधे बैठना है, चिन मुद्रा में बैठ जाइए, देन आपको नॉर्मली सांस अंदर लेनी है और एकदम से सांस छोड़नी है। जो सांस लेने का प्रोसेस है वो नॉर्मल है, जैसे हम नॉर्मली सांस लेते हैं, लेकिन जो सांस छोड़ने का प्रोसेस है वो उससे 5 टाइम्स फास्टर होता है, वो आपको जल्दी करना है और वापस नॉर्मली इनहेल करना है और वापस जल्दी से एक्सहेल करना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे, हाँ, तो ये जो प्राणायाम था ये सेकेंड प्राणायाम था जिसे हम कपालभाति कहते हैं, ठीक है। नाउ जो हमारा तीसरा प्राणायाम है उसे हम बोलते हैं अनुलोम विलोम। तो उसमें कैसे करना है, अगेन हम बैक स्ट्रेट करके अपने एब्डोमिनल के मसल स्ट्रेट करके बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम चिन मुद्रा में बैठेंगे, चिन मुद्रा में आईज क्लोज करके बैठना है, लेकिन वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट करेंगे, आपका जो राइट हैंड है वो आप देख सकते हैं ऐसे, इसमें आपको जो आपकी ये वाली फिंगर है इसको आपको अंदर की तरफ मोड़ना है, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। देन आपको सबसे पहले जो थंब है उससे आपको राइट साइड का नॉस्ट्रिल क्लोज करना है और जो लेफ्ट साइड है उससे आपको सांस अंदर लेनी है, इनहेल करना है, होल्ड करिएगा, फिर आपको क्लोज करना है इसे और इसे ओपन, राइट लेफ्ट को क्लोज करके राइट को ओपन करना है और आपको एक्सहेल सांस छोड़नी है सिर्फ राइट साइड से, और उसके बाद में अगेन जो राइट साइड वाला नॉस्ट्रिल है वो ओपन है तो उसी से वापस सांस अंदर लेनी है, होल्ड करनी है और लेफ्ट से छोड़नी है। लेकिन जो हम सांस लेना और छोड़ने का प्रोसेस है वो स्लोली स्लोली करेंगे, हम जितना स्लो कर सकते हैं उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं,
पहले आप मुझे देखिएगा कैसे कर रही हूँ, वैसे फिर आपको अगेन फॉलो करना है, ठीक है? नाउ इस तरीके से बैठ गए बिल्कुल सीधा स्ट्रेट करके, देन आपने देखा इस तरीके से करना है, धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है जो नॉर्मल हमारा तरीका होता है, और धीरे धीरे हमें सांस छोड़नी है, ठीक है? हमेशा ध्यान रखिएगा जो अनुलोम विलोम हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं तो वो हम सांस लेना सबसे पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, ना कि राइट साइड से, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा आसन है उसे हम बोलते हैं भ्रामरी। भ्रामरी में हमें क्या करना होता है, अगेन हम इसी पॉस्चर में बैठेंगे, बैक स्ट्रेट करके, एब्डोमिनल के मसल्स टाइट करके, लंग्स के थ्रू सांस अंदर लेनी है और छोड़नी है। अब इसमें हमें क्या करेंगे, हैंड्स हैं तो ये वाली जो फिंगर है, ये वाली, इससे हमें अपने आई लिड्स पर रखना है, देन नेक्स्ट जो फिंगर है उसे हमें अपने नॉस्टल्स के पास में रखना है, और जो ये वाली रिंग फिंगर है ये आपको अपने लिप्स के यहाँ पे रखना है, और जो सबसे लास्ट फिंगर है वो हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है? और जो थम्स हैं वो हमारे जो ईयर्स की ये जगह होती है यहाँ पे रखना है। कैसे रखना है आप मुझे देखिएगा। ठीक है, और ऐसे रखने के बाद में आपको नॉर्मली सांस अंदर लेनी है, होल्ड करनी है जितनी देर आप कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपको रिलीज करनी है, और ये प्रोसेस आपको कम से कम 4 से 5 बार करनी है। 4 से 5 बार नहीं तो एटलीस्ट 3 से 4 बार तो आपको करनी है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। अपनी जो फिंगर्स है उनको रखिए, देन तो देखा आपने इस तरीके से आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। नाउ जो हमारा फिफ्थ प्राणायाम है उसे हम कहते हैं उद्गीत। उसमें क्या करेंगे, हम चिन्ह मुद्रा में बैठ जाएंगे, सांस अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे, और ओम के उच्चारण के साथ में हमें सांस छोड़नी है। कैसे करना है, इस तरीके से हमें उद्गीत करना है। इससे हमें हमारा जो मन है उसे बहुत शांति मिलती है, और हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, और इम्यूनिटी बूस्ट करने में ये बहुत हेल्प करता है। सो ये हैं 5 प्राणायाम। इसके अलावा 2-3 और चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। उसमें है कि जो आपकी रिंग फिंगर होती है उसका ये जो टिप पोर्शन होता है, यहाँ पे आप अगर डेली कुछ मिनट के लिए आप उसको इस तरीके से पंच करें, जो एक्यूपंचर हम लोग बोलते हैं वैसा करें, तो उससे हमें इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत हेल्प मिलती है। नाउ इसके अलावा दूसरी चीज़ है, और कहाँ आपको एक्यूपंचर करना चाहिए, तो वो है कि हमारे जो रिस्ट,
और जो हमारी एल्बो है उसके जो बीच का पोर्शन होता है बिल्कुल सेंटर का, वहाँ पे आपको हमेशा कुछ मिनट के लिए एक्यूपंचर करना चाहिए, उसको पंच करके रखना चाहिए। उससे भी आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा आपको डेली कम से कम, अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो आपको एटलीस्ट 6 घंटे की नींद डेली लेनी है। जब हम अच्छे से प्रॉपर नींद लेते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है उसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो अपनी तरीके से वर्क करती है और अपने आप को हील करती है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ये आपको, आप अगर डेली करेंगे तो आपको अपनी जो बॉडी है उसमें इम्यूनिटी बूस्ट करने में 100% आपको इफेक्टिव रहेगा, आपको हेल्प करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।